कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लाए हैं एक नया प्रोजेक्ट जो होगा, किसी को अगर आप विश करना चाहते हैं तो आप आसानी से एक प्रोजेक्ट बना के इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको विश करके दिखा सकते हैं। वो क्या होगा, आपके वॉयस के मदद से अगर कोई आपके वॉयस देंगे तो उसी वॉयस को काम लगा के हम लोग आसानी से इसको एक कैंडल को जला सकते हैं और किसी लाइट को ग्लो करा सकते हैं इसी वॉयस की मदद से। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे ये जो प्रोजेक्ट है ये किस प्रकार से हम लोग आज बना सकते हैं, वो भी अपने घर पे और बहुत ही इजी से। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। और जेएलसी पीसीबी से अभी 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ एसटीएल फाइल अपलोड कीजिए और मटेरियल को सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। जेएलसी पीसीबी से बेस्ट क्वालिटी का 3D प्रिंटिंग आपके घर पे आसानी से पहुंच जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोगों को माचिस के जो तिलके होते हैं इसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि फायर को ग्लो करने के लिए, डिजिटली ग्लो करने के लिए इसकी ज़रूरत होगा। तो तिलके को पहले हम लोग ले लेंगे, उस पर हम लोग जो वायर है उसको लपेटेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वायर एक ही वायर में लगा हुआ है, तो हम लोग एक वायर को लेंगे, ठीक है। तो इसमें से एक तार को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो इसको ले हम लोग इसको जो माचिस के तिलके हैं इस पर हम लोग राउंड राउंड करके घुमाएंगे। तो इसको घुमाने के लिए छोटा सा एक वायर चाहिए हम लोगों को, तो इसको हम लोग इस तरह जो राउंड राउंड करके इस पर घुमाएंगे, एक एक करके राउंड राउंड करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं आएगा, तो एक सीरियल बाय हम लोग इसको राउंड राउंड करके घुमाएंगे। करीबन 4-5 राउंड हम लोग इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको इस तरह मूव कर देंगे। अभी इस पर जब भी वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे देखिए मैं वोल्टेज दे रहा हूँ जो कि डीसी वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें डालेंगे। एक वायर पे पॉजिटिव देंगे और दूसरी वायर पे नेगेटिव देंगे। देने के बाद इस पर जो वोल्टेज होगा वो 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, 15 वोल्ट भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस पर वोल्टेज दे रहा हूँ अभी, तो मैं 9 वोल्ट देने से ये ग्लो कर दिया, मतलब ये जो वायर है ये गर्म होके ये ग्लो कर दिया। तो अभी तो आपने देखा है किस प्रकार से एक स्टिक को हम लोग जला सकते हैं वोल्टेज के जरिए। तो अभी हम लोग जो वॉयस देंगे इस पे, जो वॉयस देंगे वॉयस रिकॉग्निशन मॉड्यूल पे, अगर उसको किस प्रकार से देते हैं इसको अगर सीखना है तो ऊपर जो आइकन बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से इस पर वॉयस हम लोग दे सकते हैं अपने खुद का वॉयस। अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट अभी कंप्लीट हो गया है। तो इस पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं लगाया है, एक माइक्रोकंट्रोलर लगाया है, आप चाहे तो आर्डिनो लगा सकते हैं, और एक रिले लगाया है, रिले के जरिए हम लोग कैंडल के जो स्टिक है उसको जलाएंगे। और ये रहा वॉयस मॉड्यूल, तो वॉयस रिकॉग्निशन मॉड्यूल के माध्यम से हम लोग वॉयस को रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये जो आप माइक्रोफोन देख रहे हैं इसके मदद से हम लोग वॉयस देंगे।
तो ये सेंस करके जो कि आपके वॉइस जो इसके साथ कमांड होगा वही सेंस करके आउटपुट पे दे देगा और कैंडल ग्लो करेगा। तो अभी हम लोग चलिए कैंडल को किस प्रकार से बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 एलईडी लगा दिया जो कि करंट से चलता है, मतलब एसी से चलता है ये। तो अभी इसको हमने रिले के मदद से हमने कनेक्शन किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट हमने दे दिया है, आउटपुट से इसको रिले हमने कनेक्शन कर दिया और ये ग्लो करेगा, ठीक है। और ये जो आप मोमबत्ती देख रहे हैं इसको हमने जो कि स्टिक की मदद से हमने लगाया है। तो अभी ये जो माचिस का तिलका आप देख रहे हैं इसको हम लोग जलाएंगे तो ये मोमबत्ती ग्लो करेगा, ठीक है। तो अभी इसको बॉयज जो भी कमांड हमने दिया है वो कमांड हम लोग करेंगे, करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो कमांड है मैंने मेरी तरफ से दिया है, आप चाहे तो कोई भी कमांड आप दे सकते हैं, तो आप किसी भी विश कर सकते हैं। तो मैं अभी जो कमांड दिया वो कमांड मैं इस पर बोलूँगा तो देखिएगा ये काम करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखा आपने ये माचिस के तिल के जल गया है, तो अभी मोमबत्ती भी ग्लो कर दिया। अभी इसको बुझाएंगे तो ये म्यूजिक बजने लगेगा। तो देखा आपने ये म्यूजिक भी बजने लगा और साथ में जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से अपने वॉयस के मदद से कैंडल स्टिक को जला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों, बाय।